नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश सारस्वत है। मैं JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की चर्चा का विषय है स्टैटिक पेज डिज़ाइन। आज की चर्चा के बाद हम HTML के द्वारा स्टैटिक वेब पेजेस डिज़ाइन कर पाएंगे, HTML के डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर टैग्स को यूज़ कर पाएंगे, फॉर्मेटिंग टैग्स का प्रयोग वेब पेज डिज़ाइन में कर पाएंगे, लिस्ट टैग का यूज़ कर पाएंगे। HTML कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका प्रयोग वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। HTML में विभिन्न प्रकार के टैग्स का प्रयोग वेब ब्राउज़र पर इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। HTML की फाइल का एक्सटेंशन .htm या .html होता है, उदाहरण के तौर पर index.html। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए टैग्स का उपयोग किया जाता है। HTML टैग्स को एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। हर टैग का एक स्टार्ट टैग और एक एंड टैग होता है। स्टार्ट टैग को एंगल ब्रैकेट में और एंड टैग को एंगल ब्रैकेट में फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखा जाता है। स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में डेटा को लिखा जाता है जिसको वेब पेज पर प्रदर्शित करना होता है। HTML टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होते, जिसका मतलब है हम टैग को स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। अब हम अपना पहला वेब पेज क्रिएट करते हैं। इस स्लाइड में एक वेब पेज का स्क्रीनशॉट दिखाया गया है। इस वेब पेज में तीन इंफॉर्मेशन प्रदर्शित हैं। पहला, वेब पेज का नाम जो कि माई फर्स्ट पेज है। दूसरा, हेलो वर्ल्ड जो एक डेटा है जिसे वेब पेज पर प्रदर्शित करना है। और तीसरा, पेज फुटर है। इस वेब पेज को बनाने के लिए एक HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। राइट साइड में HTML फाइल का कंटेंट दिखाया गया है। इस HTML फाइल में वेरियस टैग्स यूज़ किए गए हैं। HTML फाइल HTML टैग से शुरू होती है और HTML टैग पर ही ख़त्म होती है। HTML टैग के बाद सबसे पहले हेड टैग का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर टाइटल टैग यूज़ किया गया है। टाइटल टैग वेब पेज के टाइटल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेड टैग के बाद बॉडी टैग का प्रयोग किया गया है। बॉडी टैग में हम प्रदर्शित करने वाले डेटा को लिखते हैं। लास्ट में फुटर इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, जिसके लिए फुटर टैग यूज़ किया गया है। आप देखेंगे कि हर स्टार्ट टैग का एक एंड टैग भी है, जो कि HTML फाइल में लिखा गया है। सबसे बाद में HTML टैग का एंड टैग लिखा गया है। HTML कोड लिखने के बाद इस फाइल को .html या .htm एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तत्पश्चात आप इस फाइल को वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं, जैसा इस स्लाइड में दिखाया गया है। अब हम वेरियस HTML टैग्स का प्रयोग करना सीखेंगे। HTML टैग्स को विभिन्न क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। इस कोर्स के तहत हम निम्न प्रकार के टैग्स को यूज़ करना सीखेंगे। ये टैग्स हैं फॉर्मेटिंग टैग्स, लिस्ट टैग्स, हाइपरलिंक एंड इमेज टैग्स, टेबल टैग्स, फ्रेम टैग्स एंड फॉर्म टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स का प्रयोग डेटा को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिंग टैग्स बॉडी टैग के बीच में प्रयुक्त होते हैं। कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स इस प्रकार हैं: हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, लाइन ब्रेक टैग्स, प्री एलिमेंट टैग्स। उदाहरण के तौर पर बी टैग का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। आई टैग का प्रयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हम मार्क टैग, स्मॉल टैग, डेल टैग, इंसर्ट टैग, सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग का प्रयोग टेक्स्ट को वांछित फॉर्मेट देने के लिए कर सकते हैं। हम हेडिंग टैग का प्रयोग विभिन्न प्रकार की हेडिंग्स बनाने के लिए करते हैं। हमारी HTML में 6 विभिन्न प्रकार की हेडिंग्स टैग्स अवेलेबल हैं, जिनका नाम H1, H2, H3 से लेकर H6 टैग तक है। इन टैग्स के बीच में लिखे हुए वाक्य हेडिंग्स का स्वरूप लेते हैं और उनका साइज अलग अलग हो सकता है। ये विभिन्न प्रकार के टैग पर डिपेंड करता है, जिसमें यदि आप H1 यूज़ करते हैं या H2 यूज़ करते हैं, उस हिसाब से हेडिंग का साइज छोटा या बड़ा हो जाता है।
लिस्ट टैक्स। लिस्ट टैक्स का प्रयोग विभिन्न प्रकार की लिस्ट बनाने में किया जाता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए हम यूएल टैग का प्रयोग करते हैं। यूएल टैग के बाद हम टर्म बनाने के लिए एलआई टैग का प्रयोग करते हैं, जैसा कि स्लाइड में एचटीएमएल कोड में दिखाया गया है। जितने टर्म बनाने हैं उतने ही हम एलआई टैग यूज़ किए जाते हैं। प्रदर्शित एचटीएमएल कोड का वेब पेज भी इस स्लाइड में दिखाया गया है। वेब पेज पर डेटा को बुलेट्स में लिखने को अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इस स्लाइड में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को दर्शाया गया है, जिसमें तीन टर्म हैं: कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इनको प्रदर्शित करने के लिए डिस्क टाइप के बुलेट्स का प्रयोग किया गया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए हम यूएल टैग का प्रयोग करते हैं। यूएल टैग के बाद हम टर्म बनाने के लिए एलआई टैग का प्रयोग करते हैं, जैसा कि स्लाइड में एचटीएमएल कोड में दिखाया गया है। जितने टर्म बनाने होते हैं उतने ही एलआई टैग्स यूज़ किए जाते हैं। प्रदर्शित एचटीएमएल कोड का वेब पेज भी इस स्लाइड में दिखाया गया है। यदि हम डिस्क टाइप बुलेट्स के बजाय सर्कल, स्क्वायर आदि बुलेट्स लगाना चाहें तो हम यूएल टैग में स्टाइल प्रॉपर्टी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि इस स्लाइड के एचटीएमएल कोड में दर्शाया गया है कि टाइप ऑफ बुलेट इज स्क्वायर। इसका आउटपुट देखने पर हमें पता चलता है कि अब बुलेट्स स्क्वायर फॉर्म में हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के बुलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिस्क, सर्कल, स्क्वायर आदि। ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स की जगह नंबर सीक्वेंस डिस्प्ले होता है। इसे बनाने के लिए यूएल के स्थान पर ओएल टैग यूज़ किया जाता है। बाकी सब अनऑर्डर्ड लिस्ट की भांति ही होता है। स्लाइड में एचटीएमएल कोड और उसका आउटपुट ऑर्डर लिस्ट के लिए प्रदर्शित किया गया है। ऑर्डर लिस्ट में नंबर्स के बजाय विभिन्न टाइप के न्यूमरल्स को भी यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए ओएल का टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, जैसा कि एचटीएमएल कोड में प्रदर्शित किया गया है: एंगल ब्रैकेट ओएल स्पेस टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स ए एंगल ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम एलआई टैग्स के द्वारा विभिन्न टर्म्स बना सकते हैं, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट की भांति ही होता है। यदि हम बुलेट्स के स्थान पर कुछ नाम देना चाहें तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बोलते हैं, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म्स के नाम हैं जिनको थ्योरी और लेबोरेटरी में डिफाइन किया गया है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को बनाने के लिए डीएल टैग का प्रयोग करते हैं। डीएल टैग के अंदर टर्म नेम को डीटी टैग से बनाते हैं। डीटी टैग के अंदर डीडी टैग से हम टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि एचटीएमएल कोड में दिखाया गया है। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की लिस्ट को वेब पेज में दर्शा सकते हैं। आज की चर्चा में हमने बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, लिस्ट क्रिएट करना सीखा। अगली चर्चा में हम हाइपरलिंक्स, इमेजेस एंड टेबल्स को वेब पेजेस पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। धन्यवाद।